अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है बहुत ही कम टाइम में तैयार होने वाला मुरमुरे का नमकीन। यहाँ पर हमने 4 कप मुरमुरे लिए हैं, इसे हम लाई भी बोलते हैं, 1 कप मूंगफली, 1 कप मखाने और 1 टेबल स्पून किशमिश। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा भी कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। यहाँ हमने मखाने और किशमिश लिए, आप काजू बादाम या सूखा नारियल भी ले सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, पाउडर मसालों में लिया है 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, यहाँ आप पिसी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1.5 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 भुना कोटा जीरा, 1/4 टीस्पून सफेद नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च को हमने यहाँ बड़े बड़े पीसों में काट लिया। थोड़ा सा करी पत्ता लेंगे। किसी भी पैन में या कढ़ाई में आप यहाँ 2 टेबल स्पून तेल को गरम कर लें और जब तेल थोड़ा सा गरम हो जाए तो आप फ्राई कर लेंगे हम इसमें ये मूंगफली। मूंगफली फ्राई होके जब तड़कने लगे तो आप डालेंगे हम इसमें किशमिश, और किशमिश जब इस तरह फूलने लगे तो अब डालेंगे हम इसमें ये मखाने, इसे भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ बिल्कुल मद्धा ही रखा है, अब इसे अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। और यहाँ जब मखाने भी थोड़े से फ्राई हो जाए तो अब डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च, करी पत्ता डाल देंगे, और जब सारी चीजें अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो अब डाल देंगे इसमें ये पाउडर मसाले। थोड़ी देर इसे भी हम भून लेंगे। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा तेज करेंगे और इसमें डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और यहाँ जब ये सारी चीजें अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो अब डाल देंगे इसमें ये मुरमुरे। थोड़ी देर के बाद में अब गैस को फिर से मंदा कर देंगे और सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और जब सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और मुरमुरे थोड़े से भुन जाएं तो अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। तो नमकीन को कर लेते हैं अब हम डिश आउट। तो दीजिए, बहुत ही कम टाइम में और फटाफट तैयार होने वाला ये मुरमुरे का नमकीन बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।